क्या दुनिया का अंत निकट है? क्या भविष्यकर्ताओं की भविष्यवाणी सच साबित होगी? वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है, आप वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अब सूरज पर भी लगा लॉकडाउन का ग्रहण। जी हाँ, आप एक बार सुनकर हैरान तो होंगे, पर यह सच है। सूरज पर लगे लॉकडाउन के कारण नासा ने भीषण ठंड, भूकंप और सूखे की चिंता जताई। आज जहां कोरोना के कारण सारी दुनिया में लॉकडाउन है और इसकी वजह से पूरी दुनिया गंभीर संकट के दौर में है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। दुनिया भर के लोग चिंतित हैं कि लॉकडाउन कब तक जारी रहेगा। इसी बीच सूरज के लॉकडाउन में जाने से दुनिया भर के वैज्ञानिक भी चिंतित हो उठे हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि सूर्य का लॉकडाउन में जाना इंसान सहित सभी जीवों के लिए गंभीर चिंता का विषय साबित हो सकता है। दरअसल सोलर वैज्ञानिकों ने सूरज को लेकर एक नई जानकारी दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज भी लॉकडाउन में चला गया है। सूरज के लॉकडाउन में जाने की अवधि को वैज्ञानिक सोलर मिनिमम कहते हैं। इस दौरान सूरज की सतह पर गतिविधि आश्चर्यजनक तरीके से कम हो जाती है। सोलर वैज्ञानिकों का कहना है कि अब हम उस दौर में जा रहे हैं जहां सूरज की किरणों में भयानक मंदी देखने को मिलेगी। सूरज की किरणों में तेज की कमी होगी। ये रिकॉर्ड स्तर की मंदी होगी, जिसमें सन स्पॉट बिल्कुल गायब हो जाएंगे। द सन ने एस्ट्रोनॉट डॉक्टर टोनी फिलिप्स के हवाले से कहा है कि हम सोलर मिनिमम की ओर जा रहे हैं। इस बार ये लॉकडाउन काफी गहरा रहने वाला है। उन्होंने कहा कि सनस्पॉट बता रहे हैं कि पिछली सदियों की तुलना में ये दौर ज्यादा गहरा रहने वाला है। लॉकडाउन की वजह से सूरज का मैग्नेटिक फील्ड काफी कमजोर पड़ जाएगा और सोलर सिस्टम में ज्यादा कॉस्मिक रेंज आ जाएगा। एस्ट्रोनॉमर टोनी फिलिप्स ने कहा कि ज्यादा मात्रा में कॉस्मिक रेंज एस्ट्रोनॉट्स के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है। ये पृथ्वी के ऊपरी वातावरण के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को प्रभावित करेंगे। इसकी वजह से बिजलियां कड़केंगी। इसका सीधा असर मौसम पर पड़ेगा। नासा के वैज्ञानिकों ने भी सोलर लॉकडाउन को लेकर चिंता जाहिर की है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह घटना डाल्टन मिनिमम जैसी हो सकती है। डाल्टन मिनिमम 1790 से 1830 के बीच आया था। इस दौरान भीषण ठंड पड़ी थी, फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था, भूकंप, सूखा और भयावह ज्वालामुखी फटे थे। इस दौरान 40 वर्षों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से दुनिया के सामने अन्न का संकट पैदा हो गया था। 10 अप्रैल 1815 को 2000 वर्षों में दूसरा सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटे थे। इंडोनेशिया में इसकी वजह से करीब 71,000 लोग मारे गए। इसी तरह से 1816 में गर्मी पड़ी ही नहीं, इस साल को 1800 और ठंड की मौत का नाम दिया गया। इस दौरान जुलाई महीने में बर्फ गिरी। 1816 में सूरज ब्लैंक रहा और इस दौरान 76% वक्त में सनस्पॉट नहीं दिखा। अब बारी 2020 की है, देखते हैं 2020 में क्या होता है। 2020 में बहुत सी घटनाएं घटी हैं, उनमें से प्रमुख रहा है लॉकडाउन। अब देखते हैं सूरज भी लॉकडाउन में छुट्टी लेगा या नहीं। हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए ज्ञान टीवी। आप वीडियो शेयर करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और हमारे पेज को लाइक करें।